राधिका गौर विद द सेशन नंबर 1 ऑफ योर 11th चैप्टर दैट इज द ह्यूमन आई। तो अभी हम यहाँ पे अपना चैप्टर न्यू स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नेम क्या है, ह्यूमन आई। और अभी हम यहाँ पे इसका सेशन नंबर 1 डिस्कस करेंगे जिसमें वी विल डिस्कस अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर क्या होता है, क्या क्या उसके पार्ट्स होते हैं, ये ऑब्वियसली हम इस सेशन में डिस्कस करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन विद द ह्यूमन आई। The human eye is one of the most valuable and sensitive sense organs in the human body. Obviously, human eye क्या है? हमारी जो human body है, उसका जो sensitive sense organ है, most valuable sense organ है, वो क्या है? Obviously, human eye है. क्यों? Because it enables us to see the wonderful world and color around us. क्योंकि सिर्फ human eye ही है जिसके through हम world को, जो भी हमारा nature की जो creations हैं, उसको हम देख सकते हैं, जितने भी कलर्स हैं हमारे अराउंड उसे भी हम देख सकते हैं। और वो कैसे पॉसिबल होता है? जस्ट बिकॉज ऑफ ह्यूमन आई। क्लियर? तो सिंपल इसी चीज यही हो गई कि जो ह्यूमन आई है वो ऑब्वियसली हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है और ये एक ऐसा सेंसिटिव सेंस ऑर्गन है जिसके थ्रू हम ये जो वंडरफुल वर्ल्ड है, जो नेचर की क्रिएशंस है, उसको देख सकते हैं, जो कलर्स है हमारे अराउंड हम उन्हें देख सकते हैं। क्लियर? So the thing is that जब ह्यूमन आई हमारे लिए इतनी वैल्यूएबल है तो हमें उसके फंक्शंस भी पता होने चाहिए, हमें ये भी पता होना चाहिए वो वर्क कैसे करती है, उसमें क्या क्या पार्ट्स रहते हैं, और यदि ह्यूमन आई कोई प्रॉब्लम हो जाए, कोई उसमें डिफेक्ट्स आ जाए तो हम उसे कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो यही चैप्टर है, इसी के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आता है ऑब्वियसली द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। तो जैसे मैंने आपको बताया, मैं आपको स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई के बारे में डिस्कस कराऊंगी। सो द थिंग इज दैट अ ह्यूमन आई कंसिस्ट ऑफ मैनी पार्ट्स। एक ह्यूमन आई में काफी सारे पार्ट्स प्रेजेंट रहते हैं। क्लियर? दे ऑल परफॉर्म देयर फंक्शन सो एज टू मेक एन ऑब्जेक्ट विजिबल टू अस। जितने भी पार्ट्स ह्यूमन आई में अवेलेबल रहते हैं वो सब एक साथ मिलके कुछ फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, अपने अपने फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, और ऑब्वियसली वो क्या करते हैं, देन जो ऑब्जेक्ट है उसे हमें विजिबल बना देते हैं। दैट इज जो ऑब्जेक्ट है उसे जो ह्यूमंस हैं वो देख पाते हैं, क्योंकि जो आई के जो पार्ट्स हैं वो अपने फंक्शंस प्रॉपरली करते हैं। इज दैट क्लियर? दैट ह्यूमन आई कंसिस्ट ऑफ मैनी पार्ट्स एंड दे ऑल परफॉर्म देयर ओन फंक्शन सो एज टू मेक एन ऑब्जेक्ट विजिबल टू अस। यहाँ पे आप देख सकते हो ये ह्यूमन आई की स्ट्रक्चर है। ये ऑप्टिक नर्व्स हो गई, ये रेटिना हो गया, ये सेलारी मसल्स हो गई, ये हमारा विट्रस ह्यूमर होता है, ये कॉर्निया होता है, आयरिस, प्यूपिल, एक्विस ह्यूमर एंड क्रिस्टलाइन लेंस। ये जो जितने भी हमारे पार्ट्स हैं, ये सब जब एक साथ फंक्शंस परफॉर्म करते हैं तभी ह्यूमन आई परफेक्टली वर्क कर पाती है। तो अभी हम इन्हीं के बारे में वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सा पार्ट कहाँ पे प्रेजेंट होता है और उसके फंक्शंस क्या होते हैं। क्लियर? सो स्टार्टिंग फ्रॉम कॉर्निया। कॉर्निया इज अ ट्रांसपेरेंट स्फेरिकल मेम्ब्रेन कवरिंग द फ्रंट ऑफ द आई। कॉर्निया क्या होता है? एक स्फेरिकल ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है जो फ्रंट आई को कवर करके रखती है। क्लियर? लाइट एंटर्स द आई थ्रू दिस मेम्ब्रेन। जो लाइट है वो इसी मेम्ब्रेन के थ्रू एंटर करती है आई में। क्लियर? तो सिंपल सी चीज है कि जो कॉर्निया है वो एक ट्रांसपेरेंट स्फेरिकल मेम्ब्रेन है जो आई के फ्रंट को कवर करके रखती है, और जो आई है उसमें जो लाइट है वो इसी मेम्ब्रेन के थ्रू एंटर करती है। क्लियर? सो द थिंग इज कॉर्निया के बारे में मैंने आपको बताया कॉर्निया क्या होता है। अब आता है हमारा ऑब्वियसली दैट द मोस्ट ऑफ द रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट रेज एंटरिंग द आई अकर्स एट द आउटर सर्फेस ऑफ द एरिया। जितनी भी रिफ्रैक्शन होता है लाइट रेस का, जो भी आई में लाइट रेस एंटर करती है, उनका जो भी रिफ्रैक्शन होता है वो कॉर्निया के आउटर स्पेस पे ही होता है। क्लियर? दैट मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रेस एंटरिंग द आई अकर्स एट द आउटर सरफेस ऑफ द कॉर्निया। कॉर्निया के बाद आता है हमारा क्रिस्टलाइन लेंस। तो क्रिस्टलाइन लेंस क्या होता है? ऑब्वियसली द आई लेंस इज अ कॉन्वेक्स लेंस मेड अप ऑफ अ ट्रांसपेरेंट सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल मटेरियल लाइक अ जेली मेड ऑफ प्रोटीन्स। जो क्रिस्टलाइन लेंस होता है, दैट इज जो आई लेंस होता है, वो कॉन्वेक्स लेंस होता है, वो एक ट्रांसपेरेंट सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल मटेरियल से बना होता है। नॉर्मली हम उसे एज अ जेली लाइक प्रोटीन जो होती है उससे बना होता है, लाइक आई मीन टू से काफी सॉफ्ट रहता है और वो फ्लेक्सिबल रहता है और प्रोटीन से बना होता है। क्लियर? दैट आई लेंस इज अ कॉन्वेक्स लेंस मेड ऑफ अ
transparent, soft and flexible material like a jelly made of proteins. Clear? Crystalline lens के बाद हमारा third चीज आती है iris. Iris क्या होता है? It is a dark muscular diaphragm between the cornea and the lens. जो iris है वो एक dark muscular diaphragm होता है cornea and lens के बीच में and it controls the pupil. Pupil को कौन control करके रखता है? Iris control करके रखता है. It is the color of eyes that we call the color of eye. जो iris का color होता है उसी के basis पे हम बताते हैं कि जो person है उसकी eye का color कैसा है. That is यदि iris का color brown है तो जो person है उसकी eyes का color हम brown बोलते हैं. यदि उसकी iris का color blue है तो जो person है उसकी eye का color हम blue बोलते हैं. यदि iris का color black है तो जो person है उसकी eyes का color हम black बोलते हैं. तो simply जो iris है उसके color के through ही हम ये decide करते हैं कि जो person है उसकी जो eye है उसका कलर कैसा है. क्लियर? मेन फंक्शन इसका क्या रहता है कि ये जो आयरिस है ये प्यूपिल को कंट्रोल करके रखता है. क्लियर? अब इसके बाद आता है ऑब्वियसली हमारा प्यूपिल. इट इज अ स्मॉल होल बिटवीन आयरिस थ्रू विच लाइट एंटर्स द आई. जो प्यूपिल है वो एक छोटा सा होल होता है, स्मॉल होल होता है आयरिस के बीच में, जहां से जो लाइट है वो आई में एंटर करती है. क्लियर? That pupil is a small hole between iris through which light enters the eye. In dim light, it opens up completely due to expansion of iris muscles. But in bright light, it becomes very small due to contractions of the iris muscles. यदि light dim है, that is जो light है वो bright नहीं है, dim light है, तो क्या होगा? जो pupil है वो completely open हो जाती है. That is क्योंकि जो iris muscles है वो expand हो जाती है. उनके expand होने की वजह से जो प्यूपिल है वो कम्प्लीटली ओपन हो जाती है. लेकिन ब्राइट लाइट की केस में क्या होता है? ये छोटी हो जाती है क्योंकि जो आयरिस की मसल्स है उनमें कॉन्ट्रेक्शन आ जाता है. क्लियर? डिम लाइट में आयरिस की मसल्स में एक्सपेंशन होने की वजह से जो प्यूपिल है वो ओपन हो जाती है कम्प्लीटली, जबकि ब्राइट लाइट में जो आयरिस की मसल्स है उनमें कॉन्ट्रेक्शन आने की वजह से प्यूपिल जो है वो स्मॉल हो जाती है. इज दैट क्लियर? समझ में आया प्यूपिल क्या होता है? It is a small hole between iris through which light enters the eye and in dim light it opens up completely due to expansion of iris muscles, but in bright light it becomes very small due to the contraction of the iris muscles. अब इसके बाद आते हैं हमारा ciliary muscles. So ciliary muscles क्या होते हैं? They hold the lens in position and help in modifying the curvature of the lens. जो ciliary muscles होते हैं उनका work ये रहता है कि वो lens को अपनी position पे रखे और जो भी लेंस का कर्वेचर है उसे मॉडिफाई करने में वो लेंस की हेल्प करे. क्लियर? दैट दे होल्ड द लेंस इन पोजीशन एंड हेल्प इन मॉडिफाइंग द कर्वेचर ऑफ द लेंस. अब सिलियरी मसल्स के बाद नेक्स्ट आता है हमारा रेटिना. इट इज अ लाइट सेंसिटिव सरफेस ऑफ आई ऑन विच द इमेज इज फॉर्म्ड. जो रेटिना होता है वो एक लाइट सेंसिटिव सरफेस होता है आई का जहां पे इमेज फॉर्म होती है. क्लियर? It contains light sensitive cells, rods and cones. जो retina है उसमें light sensitive cells present रहती हैं. That is retina में rods भी present रहती हैं और cones भी present रहती हैं. Rod cells respond to the intensity of light and cones responds to the illumination. जो rod cells हैं वो light की intensity को respond करती हैं. That is जो light है उसकी कितनी intensity है ये इसको रिस्पॉन्ड करना रॉड सेल्स का वर्क होता है, जबकि जो कॉन्स हैं उनका वर्क ये रहता है कि वो जो लाइट है उसके इल्यूमिनेशन को रिस्पॉन्ड करे. इज दैट क्लियर? समझ में आया रेटिना क्या होता है? इट इज अ लाइट सेंसिटिव सरफेस ऑफ आई ऑन विच द इमेज इज फॉर्म्ड एंड इट कंटेन्स लाइट सेंसिटिव कॉल्स कॉल्ड रॉड्स एंड द कॉन्स. क्लियर? आफ्टर दैट आता है हमारा ऑप्टिक नर्व. It transmits visual information from the retina to the brain. Retina से brain तक जो visual information transmit करने का work रहता है वो किसका रहता है? वो optic nerves का रहता है. Clear? अब इसके बाद आता है हमारा sclera. Sclera क्या होता है? It is an opaque, fibrous, protective outer layer of an eye containing collagen and elastic fiber. जो sclera है वो एक ओपैक फाइब्रस और प्रोटेक्टिव लेयर होती है, प्रोटेक्टिव आउटर लेयर होती है आई की, जिसमें कोलेजन एंड इलास्टिक फाइबर प्रेजेंट रहते हैं. इट इज आल्सो नोन एज व्हाइट ऑफ द आई. जो sclera है इसको ही हम आई का जो व्हाइट पार्ट होता है वो बोलते हैं. आपने देखा आपकी आई में
सबसे ज्यादा व्हाइट पार्ट प्रेजेंट रहता है, वो जो व्हाइट पार्ट रहता है वो क्या होता है, स्क्लेरा होता है। इज दैट क्लियर? दैट स्क्लेरा इज एन ओपेक फाइब्रस प्रोटेक्टिव आउटर लेयर ऑफ एन आई कंटेनिंग कोलेजन एंड इलास्टिक फाइबर एंड ऑल्सो इट इज नोन एज व्हाइट ऑफ द आई। अब बताए ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है? इट इज द पॉइंट एट विच द ऑप्टिक नर्व्स लीव्स द आई। ब्लाइंड स्पॉट वो पॉइंट होता है जहाँ पे जो ऑप्टिक नर्व्स है वो आई को छोड़ती है, दैट इज ऑप्टिक नर्व्स का कनेक्शन आई से हट जाता है। इट कंटेन्स नो रॉड्स एंड कोन्स। जो ब्लाइंड स्पॉट होता है एक ऐसा स्पॉट होता है जहाँ पे रॉड्स भी प्रेजेंट नहीं होते और कोन्स भी प्रेजेंट नहीं होते, सो एन इमेज फॉर्म्ड एट दिस पॉइंट इज नॉट सेंट टू द ब्रेन। इसीलिए यदि कोई भी इमेज इस पॉइंट पे फॉर्म होती है तो वो इमेज ब्रेन तक सेंड नहीं होती है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट आता है आपका एक्वस ह्यूमर। मैंने बताया आपको दो टाइप के ह्यूमर होते हैं, एक्वस ह्यूमर एंड विट्रस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर क्या होता है, बिहाइंड द कॉर्निया वी हैव अ स्पेस फिल्ड विद अ ट्रांसपेरेंट लिक्विड कॉल्ड द एक्वस ह्यूमर। कॉर्निया के पीछे ऑब्वियसली हम एक स्पेस देखते हैं जिसमें ट्रांसपेरेंट लिक्विड फिल्ड रहता है, उसी को हम एक्वस ह्यूमर कहते हैं। एंड बिहाइंड दिस देयर इज अ क्रिस्टलाइन लेंस, और उसके पीछे क्या होता है, एक क्रिस्टलाइन लेंस प्रेजेंट रहता है which helps to refract light to be focused on the retina. जिसका वर्क ये रहता है कि वो लाइट को रिफ्रैक्ट करे ताकि वो रेटिना पे फोकस कर पाए। तो कुल मिला के बात यह है जो एक्वस ह्यूमर है वो क्रिस्टलाइन लेंस और कॉर्निया के बीच में फिल्ड रहता है, इज दैट क्लियर, और एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड रहता है, इज दैट क्लियर। तो अब एक्वस ह्यूमर के बाद आता है हमारा विट्रस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर क्या होता है, The space between eye lens and retina is filled with another liquid called vitreous humor. जो aqueous humor है वो हमारा जो cornea है और crystalline lens है उसके बीच में present रहता है, लेकिन जो vitreous humor है वो space होता है जो हमारे eye lens और retina के बीच में present रहता है। Clear? ये जो liquid होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, vitreous humor. Is that clear? That the space between eye lens and retina is filled with another liquid called vitreous humor. So by the way, it's a time for challenging question mark, and today's question is which liquid fill in the space between eye lens and retina. Eye lens aur retina ke beech mein kaun sa aisa liquid hai jo filled rehta hai, you have to answer that, and your time to start now. 1 2 3 4 5 Time's up. So have you answered this in your mind? Let's check out. Actually, it is vitreous humor. Yes, जो vitreous humor है वो कहाँ पे present रहता है, eye lens और retina के middle में present रहता है, जबकि जो aqueous humor है वो cornea और eye lens के बीच में present रहता है. So your correct answer is vitreous humor. So what did we learn today? आज हमने क्या study किया? आज हमने eye के structure के बारे में discuss किया. हमने ये भी discuss किया कौन कौन से parts हैं जिनसे eye उनके मिलके बनी होती है और उनके क्या फंक्शंस होते हैं। सो आई गेस दिस वाज इनफ फॉर दिस सेशन। इन नेक्स्ट सेशन वी आर गोना डिस्कस मोर अबाउट दिस चैप्टर। टिल देन गुड लक।